अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वज़ीरे आज़म इमरान खान ने समुंदर से जहाज से निकलने के लिए अवाम से दुआओं की अपील कर दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ साहब जे 23वीं योम तासीस की तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म ने कहा कि सब जाकर दो नफल पढ़ कर दुआ करें कि समुंदर से जहाज निकल आए। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद पता चलेगा कि समुंदर से कितनी जहाज निकलेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द मुश्किल वक़्त से निकलेगा। उन्होंने एतराफ़ किया कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन जल्द ही अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जब हुक्मरान करप्शन करता है तो मुल्क और कौम तबाह हो जाते हैं। सिंध से बिलावल भुट्टो बोल रहे होते हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की बातें भी हैं। ये लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है और हमें इसका एहसास भी है। इनका कहना था कि अपोजिशन जमहूरियत के नाम पर चोरी बचाना चाहती है, इसलिए सब NRO मांगने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा, क्योंकि गुज़िश्ता NRO से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।